हाँ सर, रोल बताइए। हेमंत जैन मेरा नाम है और ये एक रिसॉर्ट हमने यहाँ पे बनाया है। इसका नाम दार्चीज कैसल है। इस रिसॉर्ट को बनाने के पीछे जो इसका इतिहास रहा है वो ये रहा है कि मैंने इसको अपनी डॉटर के नाम से बनाया है। कोई मिस हैपनिंग हो गई थी मेरी डॉटर के संग, तो मैंने सारा डिप्रेशन के अंदर मैं आ गया था। जब इस पहाड़ी पर मैं अपने दोस्तों के संग आया, जब मैंने इस पहाड़ी पर बैठ करके हम सब दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तो मेरे विचार में आया कि मैं वो कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो लोग हमेशा उसको याद करें और हमेशा सबके दिलों में ज़िंदा रहे। तो उसके नाम से हमने ये रिसॉर्ट बनाना चालू किया। करीब इसको 3 साल लगे बनने में और अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। इसको अभी हमने खाली एक रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल खोले हैं, बाकी रूम्स वगैरह अभी बनने बाकी हैं। जो काम चल रहा है इसमें करीब 150 कमरे हैं। रेस्टोरेंट जो आप पीछे देख रहे हैं इसके अंदर 6 रेस्टोरेंट हैं जो हमने चालू कर दिए हैं और 2 बड़े बैंकेट हॉल हैं वो भी देखने के लायक हैं, बहुत बड़े बैंकेट हॉल हैं। और इसमें 2 स्विमिंग पूल हैं, 1 बार है, जकूजी है, स्पा है, जिम है। इसमें सब कुछ वो मिलेगा जो हमारे 7-स्टार होटल्स में आपको सुविधाएं मिलती हैं। आज क्या कुछ खास आकर्षण का केंद्र यहाँ पर? यहाँ पे जिस तरह से मैंने एक हेलीकॉप्टर लगाया है, हेलीकॉप्टर के अंदर रेस्टोरेंट है, वो रशिया का है और वो मतलब इंडिया ने इंडिया को इम्पोर्ट कराया था। और उसके अंदर 22 जने एक बार में बैठ सकते हैं। 22 सीटर है, 2 पायलट्स हैं उसके अंदर और एक बोट भी है यहाँ पे, वो भी बोट रशिया की है। उसके अंदर भी हम लोग एक रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं और कई सारे यहाँ पे विंटेज ट्रक, कार, जीप, मोटरसाइकिल, साइकिल, आपको बैलगाड़ी, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल प्योर एंटिक और हेरिटेज हैं। विंटेज गाड़ियाँ, ये सब बहुत सारा आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक। और ये जो मैंने ये इसको बनाया है वो मैंने पूरा अपनी बिटिया की पसंद को देखते हुए बनाया। जैसे मेरी बिटिया को सब कुछ यूरोप की बिल्डिंग्स पसंद आती थी, नहीं तो मैंने उसको पूरा यूरोप का नक्शा बनवाया, पूरे यूरोप की तरह से बिल्डिंगें बनाई, कैसल बनाए। तो जो जो उसको पसंद था, जैसे उसको यूनिकॉर्न बहुत पसंद था, तो हमने अपने लोगों के अंदर जो उसका हमारा ब्रांड है, ब्रांड का लोगो बना जब लोगों के अंदर, तो उसके अंदर हमने यूनिकॉर्न बनाया। एक यूनिकॉर्न आप देखेंगे तो यूनिकॉर्न दिखेगा आपको। इस तरह उसी की याद में और उसी की पसंद को हमने यहाँ पर जनता के सामने पेश किया।